हेलो, दीपक केड़ेकर दिस साइड। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोगों के ऊपर काम के लिए विश्वास क्यों नहीं डालते। लोगों से हम काम करवा के क्यों नहीं ले सकते, या लोगों को हम काम क्यों नहीं सौंपते। होता क्या है कि देखो, मुझे यदि बड़ा काम करना है या बहुत ज्यादा एक दिन में काम करने के हैं तो अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। सब उसको तो टीम लगेगी, लोग लगेंगे। मैं यदि सभी काम मैं करूं तो मैं कितने घंटे काम कर सकता हूं? मैं 4 घंटे, 6 घंटे, 8, 10, 12, 15 घंटे, कितना घंटे काम करूंगा? मैं 12, 13 घंटे काम करूंगा, थक जाऊंगा मैं, हार्ड वर्क हो जाएगा वो। मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरे हाथ में काम है वो काम लोगों को सौंपना है। वो मेरे कर्मचारी होंगे या मेरे घर के लोग होंगे, उनको सौंप के उनसे उनके जरिए वो काम करवा के लेना है, ताकि मैं काफी सारे काम दिन में कर सकूं और मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकूं। क्योंकि बड़ा यदि बड़ा बड़ी यदि इंडस्ट्री है, बड़ा एम्पायर, बड़ा धंधा खड़ा करने का है तो उसके लगेंगे, मतलब लोग लगेंगे। अकेला नारायण मूर्ति इन्फोसिस नहीं खड़ा कर सकता, अकेला महात्मा गांधी इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग का मूवमेंट नहीं लड़ सकता, अकेला अन्ना हजारे एंटी करप्शन की मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके लगते हैं लोग। और जब लोगों का सवाल आता है तो हम एकदम वीक हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मैनेज नहीं कर पाते। देखो ना, मैं किसको काम बताता हूं तो मैं काम क्यों नहीं बताता किसको? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसको काम बताऊं तो वो उतना अच्छा काम करेगा नहीं जितना मैं कर सकता हूं, नंबर 1। या वो उतना हार्डवर्क नहीं करेगा जितना मैं कर सकता हूं वो काम के लिए, या वो बहुत समय लगाएगा वो काम करने के लिए, बहुत टाइम लगाएगा, और टाइम लगाएगा तो वो काम समय में होगा नहीं, तो इसलिए मैं कर डालूं जल्दी हो जाएगा, या मेरे इतना अच्छा वो काम नहीं करेगा, कुछ तो भी मतलब 19-20 हो जाएगा, तो इसलिए बोलता नहीं मैं करूंगा, या फिर मैंने जो बोला वो काम नहीं करेंगे भलते ही कर देंगे। मैंने जो बोला वो काम लोग क्यों नहीं करते? जो काम मैंने बोला हुआ है लोग अपने मन से दूसरा ही काम क्यों करते हैं? उसका कारण यह है कि लोग सुनते नहीं। जब मैं उसको कुछ बोलता हूं कि तुम ये काम करके आ जाओ, उसको मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया, ये काम बता दिया, ये काम करो, अभी उसका उसके दिमाग में उसका स्वसंवाद चालू रहता है। उसमें होता है कि इंसान सुनता ही नहीं है, हम किसी का सुनते नहीं है, 100% हम सुनते नहीं है। तो सामने वाला आदमी मैंने जो बोला है उसका 50, 60, 70% ही सुनता है, तो उसको उसने पूरा सुना ही नहीं है मैंने क्या बोला हो। फिर होता क्या है कि मैंने जो बोला उसका वो इंटरप्रिटेशन, उसकी वो कहानी बनाता है अपने मन में कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा बोला हुआ है। फिर उसके मन में एक नया नया काम तैयार हो जाता है, मैंने बोला वो नहीं, मैंने जो बोला वो उसके दिमाग में है, वो ऐसा मिला के काम तैयार हो जाता है और फिर वो काम करने लग जाता है। तो मैंने जो काम बोला वो तो होता ही, भलते ही काम हो जाता है। तो अभी इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए ताकि मैं लोगों से बराबर काम करवा के लूं? एक तो मैंने बोलना चाहिए कि भाई जिसको भी मैंने काम बोला हुआ है उसको मैंने बोलना चाहिए कि भाई तू बता मैंने तुमको क्या बोला, कौन सा काम बोला, तेरा बोल के बताओ। तो जब जब बोल के बताएंगा वो तो मुझे समझेगा कि उसको समझा हुआ है, या फिर मैंने उसको लिख के देना चाहिए कि भाई ये काम है, ये लिख के दिया मैंने, ये काम आपको करने का है और ये समय में करने का है। ऐसा बोला जाता है कि आप किसको काम बोलते हो और फिर उसका यदि फीडबैक नहीं लेते, वापस उसको पूछते नहीं हो, तो काफी समय ऐसा हो जाएगा कि वो काम ही करेगा नहीं। तो सामने वाले को जिसको हमने काम बताया उसको मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे को ये पूछने वाले हैं कि मैंने काम किया है कि नहीं किया, तो कौन से समय पे पूछने वाले वो भी तय करने का है। फिर नेक्स्ट जो है, हम यदि घर में समझो हमारा प्रॉब्लम है कि घर में सब लोगों ने काम करना चाहिए, तो घर में हम क्या कर सकते हैं? घर में हम काम बांट ले सकते हैं घर के लोग, और हर एक को मालूम है कि अपना अपना काम, किसको किसको कौन सा काम करना है, और अपना अपना काम सबको मालूम है तो लोग काम करेंगे, और फिर हम किसने काम नहीं किया तो उसको होल्ड टू अकाउंट कर सकते हैं कि भाई तुमने तुम्हारा ये काम है तुमने क्यों नहीं किया।
तो हर एक को ये काम बांट दिया तो हो जाएगा। जैसा कल मेरे पास में एक लड़का आया था, वो पुणे में पढ़ रहा है इंजीनियरिंग, और चार पार्टनर्स उसके वो एक ही फ्लैट में रहते हैं, और उनके आपस में हरदम झंझट होते रहती है काम करने के बारे में, क्योंकि वो आपस में वो काम टाइम पे करते नहीं, और फिर एक दूसरे के ऊपर फिर गुस्सा करेंगे, फेंक फाक करेंगे कुछ तो भी, और फिर झगड़े झंझट होते जाएंगे। मैंने उसको यही सजेशन दिया, ये काउंसिलिंग किया, ये कोचिंग किया कि भाई अभी आप क्या करो कि आप पहले जाके एक टाइम टेबल बनाओ कि भाई कौन कौन सा काम करने वाला है, डिवीजन करो काम का, और कौन से समय पे वो काम करने वाला है, सिर्फ काम करने वाला नहीं, कौन से समय पे वो काम पूरा हो जाएगा, और फिर वो उसका वो पूरा स्ट्रक्चर बना के दीवार के ऊपर लगा दो। क्या होगा कि हर एक को मालूम रहेगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दिया है, कौन से दोस्त को कौन सा काम दिया है। चार लोग है, काम लिख लो, समय लिख लो और काम करो, शब्द दे दो उसके लिए कि नहीं मैं ये काम करूंगा। उसने नहीं किया, फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई नहीं मेरा मूड नहीं था, मेरे जान पे आ गया, नींद लग गई, जो भी कारण बताएगा उसको आप होल्ड टू अकाउंट कर सकते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया। तो एक तो डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, फिर अपने खुद के लिए हम ये कर सकते हैं कि कुछ काम जो है वो मुझे खुद को ही करने के, तो मेरे डूइंग में है, मेरे को खुद को करना है कोई काम, तो वो खुद के लिए फिर मैंने लिख के रखा है मेरे पास डायरी में कि मुझे ये काम करने का है, ये समय पे करने का है, और उसका शेड्यूल बना लिया तो मैं वो काम करूंगा। तो कुछ डूइंग में रहते हैं, कुछ काम मैं डेलीगेट कर सकता हूं, और मैंने भी बताया डेलीगेट हम क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरा लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो काम हो जाएगा। तो इस तरह जैसा मैंने बताया उस तरह आप लोगों को डेलीगेट करते हैं तो आपका काम जो है वो मतलब वो उसको जो समय लगता है वो समय कम लगेगा और काम काफी सारे काम हो जाएंगे। और फिर तीसरा जो है वो है डिले करना, तो कुछ काम आप डिले कर सकते हैं, मतलब बाद में कर सकते हैं, तो बाद में किया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अब भी करना है करके, तो कुछ काम डिले करो और कुछ काम जो है वो डम करो। डम करो मतलब उसको कूड़ादानी में डाल दो, करने का ही नहीं हो। कुछ काम ऐसे होते कि वो करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो है डूइंग, डू करो, डेलीगेट करो, डिले करो या डम करो, मतलब चार डीज है, डूइंग, डेलीगेटिंग, डिलेइंग, डंपिंग। अब डिले कौन सा काम करना है, डिले ऐसा काम करना है कि कभी कभी मुझे फोन आता है, और काफी सारे पेशेंट लोगों के फोन आते रहते हैं कि हमको आने का है तो हमने कब आना चाहिए। अब मैंने वो उसका जवाब मतलब वो फोन ही उठाया नहीं, क्योंकि अननोन नंबर है, वो फोन ही उठाया नहीं, तो वो क्या होता है कि वो करता है फिर रिसेप्शन के ऊपर फोन, और वहां से वो जानकारी लेके वो समय लेके बराबर हॉस्पिटल में आ जाता है। मैंने वो क्या किया, वो फोन लिया नहीं, वो डिले कर लिया। डिले कर लिया तो उसने और कोई रास्ता ढूंढ के निकाल लिया वो पेशेंट ने, और उसने रिसेप्शनिस्ट को फोन करके टाइम ले लिया। यदि मैं वो फोन लेता हूं समझो वो फोन, तो मेरा उसमें आधा मिनट एक मिनट चले जाएगा, मेरा टाइम मैनेज नहीं होगा। तो ये काम एक तो मैं डिले कर सकता हूं, या फिर मैं डेलीगेट कर सकता हूं किसके ऊपर कि भाई कोई भी फोन आ गया तो पहले आप फोन उठाओ और उसको लोगों को टाइम दो। तो इस तरह से हम काम यदि करते हैं तो डेलीगेशन बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त। एक ऐसा बोला जाता है कि लोगों के ऊपर आप काम सौंप दो और उसको कैसा काम करना वो मत सिखाओ, काम क्यों करना ये बताओ और आपको रिजल्ट्स कौन से चाहिए वो बताओ। मतलब काम क्यों करना मतलब संदर्भ, काम करने का उद्देश्य वो उसको बताओ कि हमारा काम करने का उद्देश्य क्या है, उसमें उसको कन्विंस करो। और नंबर दो, उसके रिजल्ट्स मुझे क्या चाहिए वो बताओ। अभी दोनों से क्या होगा कि रिजल्ट पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो उसको करने का है। काम पड़ा तो मैं खड़ा हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो रिजल्ट पूछना कि भाई तेरे को ये काम करना है, ये मुझे रिजल्ट चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भाई ये दो कॉपी इसकी जीरोक्स की लेके आने का है, मैंने एक को काम दिया कर्मचारी को। अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए कि भाई ये जो दो पन्ने हैं उसके जीरोक्स तू लेके आ जा, बस ये काम है। अब कैसे लेके आ जा तू देख, बाजू वाले के पास में लेके आ जा या दूर वाले के पास में लेके आ जा वो उसको देखना है। पैदल जाने का है, स्कूटर से जाने का है, बाइक से जाने, उसको देखने का है। मैंने उसको बताया कि ये काम जेरोक्स लाने का है मतलब फोटोकॉपी करने की है, और ये 10 मिनट में आपको ये काम करने का है।
मतलब मैंने काम बता दिया, टाइम बता दिया, अभी उसको काम करने का है, कैसे काम करना वो बताने का नहीं। ऐसा बोला जाता है कि हाउ टू डू इट, यदि हम किसको बोलते कैसे काम करना, ये लोएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, लोएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेटिंग है। कैसे काम करना, कैसे काम करना, सामने वाले को बोलो कि तुम ढूंढ के निकालो कैसे काम करना, आपको तकलीफ होंगी, आपको समझता नहीं तो मैं बता दूंगा। तो हमको जब हम किसके ऊपर काम सौंपते हैं, घर वाले रहो, हमारे फैमिली के लोग रहो, कर्मचारी रहो, तो बात वही है कि संदर्भ उसका तैयार करना कि ये काम क्यों करने का है और इसके रिजल्ट्स मुझे क्या अपेक्षित है। इतना कर लिया तो काम आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत सारे काम आपके एक दिन में हो जाएंगे और आपको शाम को बहुत रिलैक्स लगेगा। इसके बारे में और जानकारी हेतु आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और लाइक कर सकते हैं, शेयर करो, फेसबुक को शेयर करो पेज को और लाइक करो। थैंक यू।